इंदौर में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया, कहा इंदौर शहर नहीं दौर है। पीएम ने कहा इंदौर खाने पीने और स्वाद को लेकर दुनिया में मशहूर है, यहां पोहे कचौरी समोसे देखकर ही मुंह से पानी आता है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए बोले पीएम, आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं। संबोधन में पीएम ने कहा कि हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश है, हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया। सम्मेलन को गुयाना के राष्ट्रपति ने भी संबोधित किया, पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को सराहा। राजस्थान में पेपर लीक के आरोपी पर एक्शन, पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त किया आरोपी का कोचिंग इंस्टीट्यूट। आरोपी अवैध तरीके से निर्मित बिल्डिंग में चला रहा था कोचिंग, नोटिस जारी करने के बाद पुलिस का बुलडोजर एक्शन। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जारी एक घमासान, आम आदमी पार्टी ने आज भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदन में आप पार्षदों के हंगामे और मारपीट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के घर प्रदर्शन। कंझावला केस में मृतक अंजलि के घर घर चोरी, एलसीडी गायब, मृतक के मामा ने पुलिस पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र से की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, खानपुर कोलिया गांव से राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। महिलाओं को समर्पित है आज की भारत जोड़ो यात्रा, शहबाद के त्योड़ा गांव में राहुल गांधी का 50 महिलाओं ने स्वागत किया। जोशीमठ में दरारों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, आज गृह मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ। जोशीमठ के 500 से ज्यादा घरों में मोटी मोटी दरारें देखी गई, वहीं जमीनों से अब भी रिसाव जारी है। राजौरी के डांगरी में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली से पटना आ रही फ्लाइट में बवाल, नशे में धुत यात्रियों ने एयर होस्टेस से अभद्रता की, कैप्टन को पीटने का आरोप। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, बारासोई रेलवे स्टेशन के पास पत्थरबाजी से टूटे ट्रेन के शीशे। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, लगातार तीसरे दिन 1.5 डिग्री के नीचे तापमान दर्ज। सुबह कोहरे की चादर में ढका दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में कई जगह घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 दर्ज हुई। घने कोहरे के चलते सड़क, रेल सेवा, हवाई यात्रा भी प्रभावित, कई ट्रेनें लेट हैं जबकि कई रद्द हो गई हैं।